हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा कंपनी के जो भी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे करेंटली निकाले गए उसके बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको किस तरह से जॉब सर्च करना है और किस तरह से अप्लाई करना है और सारी डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, डायरेक्ट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जो है जॉब ओपनिंग पेज पे चले जाएंगे, वहां से सारी जॉब आपको डायरेक्ट दिख जाएगी, अप्लाई लिंक भी वहां पे मिल जाएगा, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। अब देखिए कि जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आके चेक करते हैं तो नीचे यहां पे आपको रिसेंट जॉब्स भी मिल जाएंगे। तो यहां पे देख सकते हैं 100 मोर जॉब्स करेंगे तो यहां पे बहुत सारे जॉब आ जाएंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कंट्रीज हैं सारे कंट्रीज के यहां पे लिस्ट आ जाएंगे जॉब के। और यहां पे जॉब की हम चलते हैं तो आज बात करेंगे हॉट जॉब्स जो यहां पे लिखा हुआ है इस कैटेगरी की जॉब की यहां पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए उस पर चलते हैं डायरेक्ट, उस पेज पे उसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो है उस पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप दिया हुआ है, आईटी जॉब्स और बीएससी। अब बीएससी क्या होता है, आईटी तो समझ में आता है, बीएससी चलिए बात करते हैं कि बीएससी आपका होता क्या है। तो बीएससी होता है आपका स्टैंड्स फॉर द बिजनेस सर्विसेज ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एमएनसी के कई सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया या हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस क्षेत्र में एक आउटसोर्सिंग सेक्टर है जिसे टेक महिंद्रा में जो है बीएसजी ग्रुप कहा जाता है। अब इसमें थर्ड पार्टी की भी भूमिका शामिल होती है। बीएसजी में क्या होता है कि कंपनी अन्य कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपका पेटीएम से अनुबंध ले लिया, ठीक है, पेटीएम का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और कर्मचारी को जो है टेक महिंद्रा के पेरोल पे काम पर रखा जाता है और आवश्यकता अनुसार जो है वो सारे के सारे जो कर्मचारी हैं वो किसके लिए काम करेंगे, तो पेटीएम जैसे कंपनी के लिए काम करेंगे, जैसे कि कॉलिंग हो गया, मेलिंग हो गया, ये सारे के सारे काम उनके लिए करेंगे। तो यहाँ पर ये होता है बीएससी का आपका मतलब, ठीक है। तो बाकी जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जाकर के सर्च टर्म को कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे आप बीएससी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो बीएससी ग्रुप में कोई यहाँ पे जॉब आपको नजर नहीं आएगी। तो आईटी सेक्टर में यहाँ पे जॉब है तो आईटी सेक्टर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जॉब खुल करके आ जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कंट्री जो है चाइना दिया हुआ है तो चाइना के भी जॉब यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी जॉब होती है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे जॉब यहाँ पे दिए होते हैं। अब अगला है यहाँ पे इंजीनियर की जॉब, देख सकते हैं हैदराबाद लोकेशन रहने वाला है, स्टेट यहाँ पे दिया तेलंगाना इंडिया, यहाँ पे कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे डेट देख सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री टाइप जो है आईटी है, यहाँ पे अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है यहाँ पे पुणे महाराष्ट्र के लिए जो कि आप 17 अगस्त तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे 30 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर की जॉब है और यहाँ पे देख सकते हैं टेक लीड की, यहाँ पे देख सकते हैं बेंगलुरु यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाला है, कर्नाटका की जॉब है, इंडिया यहाँ पे कंट्री है और 31 अगस्त 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 13 अगस्त तक इसमें टेक लीड में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि चेन्नई लोकेशन यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे और भी जॉब निकाले जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके और भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने ही जॉब निकले हुए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि अप्लाई आपको किस तरह से करना है। तो किसी भी जॉब में आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जैसे किसी एक जॉब में हम क्लिक करके देख लेते हैं, यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है मुंबई महाराष्ट्र के लिए, तो यहाँ पे हम शॉर्ट लिस्ट में यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी खुल के आ जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं बैचलर या फिर हायर डिग्री इन द मिनिमम एंट्री रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन, इस पोजीशन के लिए आप बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं या हायर डिग्री आपको यहाँ पे है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्किल सेट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 से 10 साल कम से कम आपके पास होना चाहिए, यानी मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस जॉब के लिए। नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे डोमेन देख सकते हैं आईटी सेक्टर की जॉब रहने वाली, जॉब पोस्ट की डेट यानी कि 17 जुलाई 2020 यहाँ पे, 17 अगस्त 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है किस टाइप की जॉब यहाँ पे रहने वाली है, सारा चीज डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू नीड टू रजिस्टर बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देना है, लास्ट नेम अपना लिख देना है, यूजर नेम यहाँ पे लिखना है। यूजर नेम में आप जो है अपना ईमेल आईडी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं gmail.com यहाँ पे, या नहीं तो आप yahoo.com वाले अपने जो भी जीमेल अकाउंट है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट करना है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है कि आपको जो अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू भी यहाँ पे देना है और साथ में स्पेशल करेक्टर का भी यूज करना है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे आपको
सजेस्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर अगर पहले से हैं तो आप यहाँ पे लॉग इन करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसमें काफी सारी वैकेंसी निकालेंगे तो इस वैकेंसी पे जाकर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जॉब सर्च आपको अगर करना है तो कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इंडिया का सिर्फ कंट्री सेलेक्ट करना है तो आप इंडिया यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इंडिया वाली कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑल स्टेट्स के जितने भी जॉब्स हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। ऑल स्टेट्स अगर किसी और स्टेट में आपको चाहिए तो वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप एक्सपीरियंस अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप स्किल और उसके बाद रोल सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो यहाँ से आपका जॉब यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट जैसा कि आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे कर देंगे तो और भी जॉब्स यहाँ पे खुल के आते जाएंगे। तो आप यहाँ पे सारा चीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने इंडिया कंट्री के अनुसार यहाँ पे सारी जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डेट भी इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों आप कभी भी आकर के इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक करके और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।